बिहार का जो मौजूदा राजनीतिक हालात है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या लगता है, क्या देखेंगे? देखिए, इससे तो विकास स्थिर हो गया है ना, क्योंकि जब सरकार ही स्थिर नहीं है तो विकास क्या होगा। विकास करने के लिए सरकार स्थिर होना जरूरी है, सरकार को भी समझना चाहिए, कहीं भी रहे, एक साइड रहे, ताकि तभी बिहार का विकास हो सकता है। ना तो फैक्ट्री अभी आया कोई वैसा बड़ा, ना कोई बिहार में ऐसा कोई काम हुआ है, इसलिए सबसे पहले तो सरकार स्थिर होना जरूरी है। शुभम कुमार, क्या कुछ कहना चाहते हैं सर? हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं, बिहार की राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। मतलब अनप्रेडिक्टेबल क्या है, बिहार की राजनीति या बिहार के राजनीतिज्ञ? दोनों। हाँ, दोनों। क्या शुभनाम? योगेंद्र यादव। और क्या कुछ कहना चाहते हैं? कहें कुछ, ये सब कायदा ठीक नहीं है और क्या। मनोज कुमार। और क्या कुछ कहना चाहेंगे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार क्या करेंगे, तो जैसे कुछ परिस्थिति बस चले गए होंगे, उनका अपना मजबूरी रहा होगा जाने का, कोई शौक से तो गए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मजबूरी जरूर रहा होगा बस। ऐसा पलटे वाला पलट गया, रहे वाला रह जाएगा। अच्छा, तब और क्या। तो कोई टिप्पणी मौजूदा हालात? कोई टिप्पणी नहीं, बीजेपी आएगा बस वही आएगा और कोई नहीं आएगा। पूछे ना उनसे, उनसे तो पूछबे करेंगे, आप ना बताइए क्या कुछ कहना चाहते हैं, देख रहे हैं अभी पता है क्या हुआ बिहार में? हाँ, हुआ है। नीतीश कुमार फिर से हैं? फिर से हैं नीतीश कुमार। तो क्या कुछ कहना चाहते हैं, अच्छा हुआ खराब हुआ? अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, अच्छा हुआ। क्या बोले, बताइए कि अभी का जो मौजूदा हालात है उस पर क्या कहता है बिहार का युवा? मौजूदा हालात तो इसको मतलब ठीक ही नहीं बोला जाएगा, क्योंकि बार बार अगर आप सरकार बदल रहे हैं तो प्रॉब्लम क्या है, गलती हम ही लोग का है कि हम लोग एक पार्टी को हम लोग बहुमत में नहीं ला रहे हैं, तो इस कारण से बिहार में ये स्थिति है। विकास के लिए तो ये स्थिति सही नहीं है कि बार बार अगर सरकार बदल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार काम बहुत अच्छा किए हैं, लेकिन बार बार अगर वो बदल रहे हैं तो ये ना बिहार के लिए अच्छा है, ना मतलब जो आगे चल के जो उनका नाम लिया जाएगा कि वो बार बार पार्टी को बदलते थे, तो वो सही नहीं है। लेकिन आगे चल के जो भी 2025 में जो विधानसभा चुनाव होना है, तो मेरा यही मानना है कि एक ऐसा गवर्नमेंट आना चाहिए बिहार में जो मेजोरिटी से आए, जिसका एक मतलब किसी दूसरे पे निर्भर ना हो, जिससे विकास भी होगा और बहुत कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, और जातिवाद पे राजनीति नहीं होना चाहिए, जातिवाद पे वोट नहीं होना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। क्या सोचता है बिहार का युवा राजनीतिक हालात? बिहार का युवा राजनीतिक हालात पर यही सोच रहा है कि अब जो राजनीतिक रहा है, राजनीतिक नहीं रहा, ये एक बिजनेस है, और इस बिजनेस में लोग कहते थे पहले जनता बिकती है, अब विधायक और मुख्यमंत्री बिक रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बिक रहे हैं, मंत्री बिक रहे हैं। हम लोग यहाँ पहले सब्जी सस्ता हुआ करता था और लिट्टी सबसे ज़्यादा प्रिय और सस्ता होता था, आज राजनीतिक हालात और राजनीतिक सस्ता है, और इस कदर सस्ता है कि अभी स्ट्रीट फूड के दुकान पर भी राजनीति की चर्चा हो रही है, जिसे राजनीति का आर भी नहीं पता है या पॉलिटिक्स का पी भी पता नहीं, वो भी आज राजनीति के बारे में चर्चा करते और अपने आप को एक नेता मानते हैं। अब नेता लोग भी इससे ज़्यादा हम इस पे टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे। हाँ, आप बताइए सर क्या बोल रहे हैं? अब इतना ही बोलेंगे कि अब नेता लोग भी लिट्टी सेकने लगे हैं आम जनता के साथ। नो कमेंट्स। हम उसके पलटू राम है सर, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं। कौन पलटू राम? नीतीश कुमार, उसमें कोई अथी नहीं, बीन पे नहीं के लौटा है, जिसका बाप माँ का कोई ठिकाने नहीं है, ऐसा है वो। क्या सोचता है बिहार का युवा राजनीतिक हालात? क्या ही बोला जा सकता है इसमें, नीतीश कुमार दल बदल देते हैं, वही बात जो उन्होंने बोला कि कभी जब बीजेपी में थे तो मतलब आरजेडी में थे तो ख़राब थे, अभी अचानक से बीजेपी में आ गए तो कैसे मतलब कोई बंदा चेंज हो सकता है बताइए? कभी वो ख़राब हो जाते हैं, बीजेपी में आते ही अच्छा हो जाता है, ऐसा तो कोई मतलब नहीं ना हुआ। मेरा नाम नागेंद्र कुमार सिंह है। क्या कुछ लग रहा है, क्या हो रहा है? राजनीतिक अस्थिरता से बिहार का पिछड़ रहा है। बिहार पिछड़ रहा है, क्या होना चाहिए था? स्थाई सरकार होनी चाहिए, जो बार बार उलटफेर हो रहा है वो प्रदेश के लिए ठीक नहीं, प्रदेश के विकास के लिए ठीक नहीं। कहना क्या, बिहार में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है। राजनीतिक परिस्थिति जो है इस सब पे नज़र तो रखे हैं, ठीक है, तो ग्राहक विचारों से पता लगता है। हाँ। बिहार में जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, बस जनता को कोई दिक्कत नहीं पड़ ना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हम कहना चाहते हैं कि
नीतीश कुमार आरजेडी के साथ थे, ठीक है, तब नीतीश कुमार वाज अ बैड सीएम, नीतीश कुमार एक खराब चीफ मिनिस्टर थे, नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे थे। और जैसे ही उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, बहुत लोग, मैं एक बीजेपी सपोर्टर नहीं हूँ, मैं खुल के बता रहा हूँ, बहुत अंधभक्त हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि अब नीतीश जी अच्छे हो गए। मेरा बहुत लोग से, आपसे सबसे ये सवाल है कि नीतीश जी अचानक से अच्छे कैसे हो गए, जस्ट पार्टी बदलने के कारण? पार्टी बदलने से ना उनका मानसिक संतुलन चेंज हो गया होगा, ना कुछ डेवलपमेंट अचानक से एक दिन के अंदर हो गया। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि कैसे चेंज हो गया वो?